बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 7:30 अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हम डॉक्टर नासिर अब्बास नय्यर साहब के साथ मौजूद हैं। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब का तारुफ अगर मैं कराऊं तो ये शायद एक अपने आप में एक वसी मौजू है, लेकिन ही स्टार्टेड ऑफ एज एन उर्दू क्रिटिक। इसके अलावा डॉक्टर साहब इज़ राइटर, इज़ well known for his academic work post modernism or post colonialism ke upar, aur jaise jaise hum doctor saab se baat karte jayenge to main kuch kisse bhi share karta jaunga ki I think in tamam cheezon ke ilawa jo inke students inse mohabbat karte hain maine bahut kam ये चीज़ विटनेस की है कहीं और, लेकिन मेरे सामने कहीं तो ऐसे हुआ है कि हम अक्सर बात कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब से, तो अचानक एक स्टूडेंट आता है और मतलब इस तरह से वो मोहब्बत से मिलते हैं डॉक्टर साहब से कि इंसान वाकई कहते हैं कि यार माशाल्लाह माशाल्लाह। जो डॉक्टर साहब का एक इम्पैक्ट है अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों के ऊपर वो नज़र आता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम ये गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल हैं आपके? जी वालेकुम सलाम अजाज साहब, बहुत शुक्रिया। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इस वक्त जिस वक्त से गुजर रहे हैं दैट इन इटसेल्फ इज़ क्वाइट यू नो एक्सेप्शनल, इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप आजकल वक्त कैसे गुजार रहे हैं। एक तो आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आपने एक एक नए सिलसिले का आगाज़ किया कि जब हम सब लोग अपने अपने घरों में महसूर हैं और एक तरह की कैद की कैफियत है, हम अपना हमारे जो मामूलात थे उनको एकदम एक ब्रेक से लग गया है और हम इस सूरत हाल को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं और इससे उलझ भी रहे हैं, अपने आप से भी उलझ रहे हैं, और एक काफ़ी एक पेचीदा मुश्किल और एक सब्र आजमा सूरत हाल है। तो ऐसे में आपने ये जो सिलसिला शुरू किया है, एक दूसरी जो लोग आजकल वैसे भी पूरी दुनिया जो है एक तरह से ये ऑनलाइन और डिजिटल जो वर्ल्ड है उसमें वो ज़्यादा रह रही है। पहले हम ये गिला करते थे कि जनाब लोगों को एक हकीकी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, जो वर्चुअल रियलिटीज़ हैं इनमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब कुछ ऐसे हालात हो गए कि हमारे पास बाकी दुनिया से रबते का ये वाहिद जरिया रह गया है। तो आपका शुक्रिया कि आपने ये एहतमाम किया। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है कि मैं कैसे अपने शब रोज गुजार रहा हूँ, तो मेरे ख्याल है मेरी कहानी वही है जो बाकी सब लोगों की कहानी है, घरों में मौजूद हैं और शुरू में तो थोड़ा मुश्किल पेश आई उसको ये कबूल करने में भी कि इतने दिन हमें रहना पड़ेगा। अब जब कि 3 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है तो अब हमें लगा है कि शायद मजीद कुछ अरसा में इसी तरह की सूरत हाल में मुबतला रहना पड़ेगा। तो इसके बाद तो यकीनन इसके मनफी असरात भी हैं हमारे आसाब पर भी, हमारे जज्बात पर भी और हमारे जहन पर भी असरात हैं, वो तो उसका जिक्र सब लोग करते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक मौका भी है। हमें वैसे भी इंसानों का जो एक इर्तका हुआ है, जो ख़ास तौर पर उनका जो सकाफ़ती इर्तका हुआ है और समाजी इर्तका हुआ है, उसमें इंसान ने हर बुहरान को एक अपने लिए मौका समझा है और उस बुहरान में से कुछ उसने जो उसके मुस्बत पहलू होते हैं उनकी तरफ ध्यान दिया है। तो मेरे ख्याल है ये एक इनफरादी सतह पर भी एक मौका है और एक इज्तमाही सतह पर भी मौका है। इनफरादी सतह पर मौका ये है कि अब हमें लगा है कि हमारी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हैं जितनी हम आमतौर पर समझते हैं। हम अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा भाग दौड़ में बसर करते हैं, अपने जिस्म को थकाते हैं, आसाब को थकाते हैं, एक लगता है कि जैसे लंबी रेस में शरीक हैं और हमने सबको पछाड़ के बहुत आगे जाना है। तो अब जब हम रुके हैं तो हमें लगा है कि नहीं, जो ज़िंदगी गुजारी जा सकती है ज़्यादा इत्मीनान के साथ, अगर आपकी मसरूफियाँ ज़्यादा ना हों, आपका दोस्तों का मुख्तसर सा हल्का हो, उनके साथ बातचीत करें, अपने घर वालों के साथ, मसलन फैमिली के साथ हम में से बहुत कम लोग हैं जिनको ये वक्त गुजारने का मौका मिलता है, शायद दिन में चंद घंटे मिलते हों और वो भी शायद पूरी तरह वक्त गुजार ना सकते, उनके थके हुए घर में आते हैं तो वो बस सो जाते हैं, फिर अगले दिन की तैयारी करते हैं,
वीकेंड पे और मसरूफियात होती हैं, लेकिन अब पहली दफा है कि एक तरह से जो खानदान है वो इकट्ठे हुए हैं और उन्हें आपस में एक दूसरे को समझने का, बातचीत करने का मौका मिला है। इसके अलावा एक हमें ये भी मौका मिला है इंफरादी सतह पर कि हम जिंदगी में बहुत सी तमन्नाएं रखते हैं कि जब हमें वक्त मिलेगा तो हम कुछ काम करेंगे। मसलन इसमें से एक होता है अपने साथ भी वक्त गुजारेंगे। मेरा ख्याल है हर जो मसरूफ आदमी होता है उसके अंदर ये आरजू जरूर होती है कि वो अपने साथ जरूर वक्त गुजारे, वो देखे, अपने बारे में सोचे कि वो जिंदगी कैसी बसर कर रहा है, उसकी जो जिंदगी में तरजीहात है वो दुरुस्त हैं या नहीं, उसको कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो वो समझता है कि जिसके लिए पैदा किया गया। और खासतौर पर जो राइटर होते हैं उनको तो ये सवाल बहुत दरपेश होता है कि वो जो कुछ लिख रहे होते हैं तो उनका जो लिखना होता है उनके लिए एक तरह से कैद खाना, एक बॉक्स बनता जाता है। तो उनको ये सोचने का मौका मिलता है कि मैं अब तक जो कुछ लिखता रहा हूँ तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या मुझे उसी को जारी रखना चाहिए, उसमें तब्दीली लानी चाहिए, कुछ नए तजर्बात करने चाहिए, या हमने जमा की होती हैं हम उनको पढ़ेंगे। मेरा ख्याल है हर वो आदमी जिसको किताबें पढ़ने का शौक है उसके घर में एक बड़ी तादाद किताबों की हमेशा मौजूद रहती है जिनको पढ़ने का उसे वक्त और मौका नहीं मिलता। तो अब मेरा ख्याल है ये एक बड़ा मौका है कि हम उन किताबों को पढ़ सकें जिनको मौसीकी से लगा हुआ है, फिल्मों से लगा हुआ है, वो ये देखते उनके पर एक जो हमारी जिंदगी में उतर आ रहा है, हम जो हर भर के कहा भी जाते हैं की सिफत है, यानी एक मनफी खसूसियत है, उसको जो है वो अब हमें नहीं रही, हमें अब किसी काम की जल्दी नहीं है, हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है। तो एक जो लेजर और एक फुर्सत होती है वो हमें एक हासिल है। ये तो इंफरादी सतह पर है, लेकिन मैं इज्तमाही सतह पर भी ये हमें सूरत हाल सोचने का बहुत मौका देती है कि इंसान ने इज्तमाही तौर पर जो एक तहजीब पैदा की है, क्या ये तहजीब इंसान की सबसे बड़ी जो अगर देखा जाए तो वो है अमन और मसरत। इंसान अमन से रहना चाहता है और खुशी की तलाश में रहता है, तो क्या ये तहजीब इंसान की जो अंदर की सबसे ताकतवर आरजुएं हैं कि अमन से रहना, सेहतमंद रहना और खुश रहना, तो क्या ये तहजीब उसको ये दे रही थी? तो ये इज्तमाही सतह पर सोचने का एक हमें मौका एक ये देती है। और मेरा ख्याल है दुनिया के जो बहुत से मुल्क में कुछ हमें यकीनन सेन लोग भी होते हैं, दानिशमंद भी लोग होते हैं, अगरचे इस वक्त दुनिया में जो बड़े बड़े मुल्कों के सरबराह हैं उनमें सेनेटी कम है, लेकिन हमें तवक्कु रखनी चाहिए कि कुछ उनके इर्द गिर्द ऐसे मुशीर या ऐसे रहनुमा होते हैं जिनके अंदर ये सेनेटी होती है, तो वो जरूर इस पे सोच रहे होंगे कि हमें अपने मुल्कों के जो निज़ाम हैं और जो तरजीहात हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बुरहान जहाँ हमें इसने एक तकलीफ में मुबतला किया है और एक तन्हाई और एक जो जबरिया तन्हाई है उसका शिकार किया, तो इस तरह इनफरादी और इज्तमाही सतह पर कुछ हमें सोचने के मौके भी दिए। और उम्मीद है कि जब हम इससे निकलेंगे तो एक उम्मीद रखनी चाहिए कि हम शायद अपनी जाती जिंदगी और इज्तमाही जिंदगी में कुछ बेहतरी ला सकेंगे। तो आपके बिल्कुल सवाल सही. का मैंने जरा लंबा नहीं नहीं जवाब दे नहीं दिया। नहीं नहीं आई थिंक दैट दैट वाज ब्रिलियंट एज ऑलवेज. तो और ये मेरे लिए बल्कि शायद आपने और आसान कर दिया, क्योंकि मैं यही पूछना चाह रहा था इसके बाद कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वक्त ऐसा है कि इसने हमें इनफरादी तौर पे और इज्तमाही तौर पे कई चीज़ें सोचने पे मजबूर किया है. और यू नो ऑब्वियसली एक क्रिएटिव इंसान का, चाहे वो राइटर हो या किसी भी तरह से क्रिएटिव एंडेवर में वो इन्वॉल्व हो, लेकिन आई थिंक स्पेशली जो लोग पढ़ते ज़्यादा हैं उनका विजन बहुत वसी होता है. तो आप ये कैसे देखते हैं कि क्या मतलब दुनिया कैसी होगी कुछ अरसे बाद, पोस्ट COVID-19 और प्री COVID-19 में क्या एक फ़र्क होगा? मतलब ये एक वाकई शायद अभी तक एक मिस्ट्री है कि क्या इंसान इससे सीखेगा, या एटलीस्ट क्या उस तरफ जाएगा कि यार हमें कुछ चीज़ों को एटलीस्ट ऑब्ज़र्व ज़रूर करना पड़ेगा, उसके बारे में रिफ़्लेक्ट ज़रूर करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं. तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि वो क्या बदलाव होगा? ये दुरुस्त है कि पेशगोई करना पूरी तरह भी जाए तो जरूरी नहीं कि वो पूरी हो, जरूर रख सकते हैं। और वो उम्मीदें और तो चाहिए कि वो दुनिया इससे मुख्तलिफ होगी, यानी जो एक
प्री कोविड-19 दुनिया थी और जो पोस्ट कोविड-19 दुनिया है, इन दोनों में फ़र्क होगा। और लोग इंफरादी सतह पर, इज्तमाही सतह पर कुछ ना कुछ तब्दील होंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो इंफरादी सतह पर, इज्तमाही सतह पर जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो तब्दीली होती है, उसमें जो दुख और दर्द है उसका बहुत किरदार होता है। जो आदमी ज़ाती ज़िंदगी में मसाइब से गुजरता है, वो मसाइब गुजरने के बाद वापस पहली हालत में नहीं जाता। इसी तरह जो सोसाइटीज होती हैं, जब पूरी सोसाइटी एक तरह की डिसऑर्डर का शिकार होती है और उनमें एक क्या निशान पैदा होता है और उनके सारे जो मामले हैं वो तब्दील हो जाते हैं, तो एक तरह का पूरा एक, यानी एक जो पहले वो जिंदगी बसर कर रहे थे उससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ जिंदगी बसर करने पर वो मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो एक इज्तमाही तजर्बा होता है, जो कर्ब, यानी जाती जिंदगी में मसायब, और इज्तमाही सतह पर जो कर्ब का तजर्बा होता है, इंसान को जरूर तब्दील करता है। ये भी ठीक है कि इंसानी तारीख बताती है कि इंसान बड़े बड़े वाकया से भी कम ही सबक सीखता है, लेकिन अगर हम इंसानी इर्तका पे नजर डालें तो कुछ ना कुछ इंसान बाहर सीखता है। और आगे मसलन इसमें एक चीज इंसान जरूर इसमें वो सीखेगा और उम्मीद है कि उस पर अमल करेगा, वो है कि अब जब इंसान जो उन्होंने एक जो मसरूफियत थी और उनकी जो एक कल्चरल और मसरूफ जिंदगी थी, उसमें एक तरह का वक्फा आया है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो नेचर को हुआ है, फितरत को हुआ है, माहौल को हुआ है। और माहौल जो है वो, मेरा ख्याल है अगर कोई ऐसा हमारे पास तरीका हो कि हम अपने इर्द गिर्द जो परिंदे हैं, जानवर हैं, दरख्त हैं, फजा है, कभी उससे पूछें कि वो अब हमारे बारे में क्या राय रखती है, तो मेरा ख्याल है वो इस बात पे खुशी का इजहार करेगी कि हमारा जो सबसे बड़ा हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, हमारा दुश्मन है, वो अब हमें नजर नहीं आता, वो घरों में कैद है, तो वो इस पे खुशी का इजहार करेंगे। तो मेरा ख्याल इंसान इससे ये जरूर सीखेंगे कि अगर इंसानों को ही इस दूसरी मखलूकात के साथ इसी वो इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाता है, तो इसी तरह वो उनके लिए भी आवाज उठाता रहेगा, और उसका फितरत की तरफ जो रवैया होगा उसमें यकीनन तब्दीली आएगी। तो एक बड़ी तब्दीली तो ये आएगी। दूसरी, मैं समझता हूँ जिस तब्दीली की हम तवक्को कर सकते हैं कि जो मुआशरे हैं वो ये देखेंगे कि उन्हें सबसे ज्यादा अपनी सरमायाकारी किस पे करनी है। क्या उन्हें सरमायाकारी अपने असले पे करनी है, अपनी जो अस्करी ताकत है उसके उसके ताकत में मुसलसल इजाफे पे अपनी सरमायाकारी करनी है, या इंसानों की सेहत और तालीम पे करनी है। उन्होंने एक दूसरे मुल्कों के साथ मुसलसल जंगों में मुबतला रहना है, मुसलसल दुश्मन अपने इजाद करते रहना, और उन इजाद करदा दुश्मनों के खिलाफ नए नए जो हथियार हैं, वो खा ये असल हथियार हूँ, गन हूँ, हेलीकॉप्टर और ये मिसाइल, एटम बम, ये हूँ, या बायो हथियार हूँ, वो याद करने हैं, या इंसानों की सेहत, तालीम और उनकी जो मसर्रत है उसको बुनियादी में। मेरे ख्याल ये एक बहुत ही संजीदा सवाल उनके सामने आएगा, तो लिहाजा ये कैसा, जो बड़े सवाल आते हैं नेचर के हवाले से और तब्दीली आएगी। तो अब सवाल ये कि इस तब्दीली का सामना जो न्यू लिबरलिज्म है और वो जो मार्केट इकॉनमी है, ग्लोबलाइजेशन है, वो इन सवालों को कैसे टैकल करती है, इनका वो इनको मौका देती है कि नहीं, जो हमारी तवक्कुआत पैदा है उनको पूरे होने का, या फिर वो इसी तरह लोगों को पैसे और उसकी हवस में ले जाती है, क्योंकि जो असले की तिजारत है उसके पीछे भी तो जाहिर है पैसा कमाने की हवस है ना। तो मेरा ख्याल है ये दो तब्दीलियां तो हम इसकी तवक्को कर सकते हैं। बिल्कुल सही. ये एक्चुअली अगेन दिस कनेक्ट्स क्वाइट नाइसली टू अ क्वेश्चन दैट वी हैव रिसीव्ड. अच्छा, इसमें मुझे मुख्तलिफ सवालात मौसूल हो रहे हैं, तो वक्तन फवक्तन मैं पूछता रहूँगा. और कल हमने एक पोस्ट शेयर की थी तो काफ़ी लोगों ने सवालात भेजे हैं. अजीज़ी अचकज़ई साहब पूछ रहे हैं कि पोस्ट कलोनियलिज्म की इस्तलाह का इस्तेमाल दर हकीकत किस हद तक दुरुस्त है? क्या दुनिया में वाकई कलोनियलिज्म का खात्मा हो चुका है? देखें, अच्छा सही साहब एक फाजिल आदमी है, उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये सवाल पूछा है। देखें, इसका जवाब वही है जो इस सवाल का जवाब है कि क्या 47 में हम आजाद हो गए थे। तो
इसका एक जवाब तो ये है कि जनाब बिल्कुल हम आज़ाद हो गए, पहले ये ब्रिटिश इंडिया था, उसके बाद ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो मुल्क बन गए। तो एक आधा जवाब तो ये है कि वाकई हुए, खात्मा हुआ। दूसरा ये है कि हम आज़ाद नहीं हुए, जो कॉलोनियलिज्म के सारे इंस्टीट्यूशन थे वो उसी तरह बरकरार रहे, सिर्फ उनको जो चलाने वाले थे वो तब्दील हुए। तो पहले गोरे चलाने वाले थे, फिर जो मकामी लोग थे वो चलाने लगे, और फिर उन इंस्टीट्यूशंस को हमने डिकोलोनाइज नहीं किया। वो जो कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस जिन कॉलोनियल मकासद के लिए कायम हुए थे, वो उनको इसी तरह कायम रखा। तो इसलिए और फिर उसके बाद एक और बात भी है कि जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का खात्मा हुआ तो फिर अमेरिकन न्यू कॉलोनियलिज्म का आगाज भी हो गया, खासतौर पर सर्द जंग के जमाने में। तो आधा जवाब तो इसका यह है कि पोस्ट कॉलोनियल जमाना 1947 से शुरू तो हुआ और बाकी पूरी दुनिया में तकरीबन 1970 के बाद शुरू हुआ, जब सारे मुल्क आजाद हो गए, लेकिन उसके खात्मे के साथ ही जो कॉलोनियलिज्म था एक नई शक्ल में आ गया। तो इसके दोनों जवाब हैं, तो पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड है भी और नहीं भी, वही आजादी की तरह हर चंद कहें कि है नहीं है। बिल्कुल सही। तो अब इसके बाद हम, क्योंकि डेफिनेटली आपकी कुछ किताबें भी डिस्कस करना चाहेंगे, तो उससे पहले मैं एक और सवाल शेयर करूँगा। ये हसन राय साहब हैं, ये पूछ रहे हैं जी कि मौजूदा दौर में पाकिस्तानी अफसाना आलमी अफसाने के मुकाबले में कहाँ खड़ा है, और पाकिस्तानी अफसाने में अगर पैराडाइम शिफ्ट हैं तो मेहरबानी इसकी वजाहत कर दें। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है एक तो ये कॉलोनियल जो हमें विरासतें मिली हैं उनमें ये भी शामिल है कि हम हमेशा अपनी हर चीज को बाइनरी में सोचते हैं। हम कहते हैं कि हमारी गजल का मुकाबला, हमारी नज्म का मुकाबला दूसरे अंग्रेज खास यूरोप की चीजों से मुकाबला करते हैं हर चीज में। तो हमने कहा कि हमारे पास एक आगा शर जो है वो यहाँ के शेक्सपियर हैं, मतलब किसी को कोई हमने खिताब दे दिया। तो पहली बात तो ये कि ये मुवाजना ठीक नहीं है। हर जो खिता होता है उसका जो अदब होता है या उसका कल्चर होता है वो मकामी होता है, और उसको समझने और उसको देखने के जो मयारात होते हैं वो भी मकामी होते हैं। तो हाँ, अब इस सवाल का एक दूसरा पहलू ये है कि एक अगर हम ये बनाए कि आलमी सतह पर जिन अदीबों को शोरस, अगर आलमी अदीबों की फहरिस्त बनाए पुराने जमाने से लेकर, यानी होमर के जमाने से लेकर, कालिदास के जमाने से लेकर, फिर रूमी के, फिर मिल्टन के, फिर डांटे के, फिर हाफिज के, फिर गालिब तक ले आए, इकबाल तक ले आए, या उधर से शेक्सपियर ले लें, और फिर मौजूदा जमाने में लातिनी अमरीकी और अफ्रीकी अदीबों चिनवे चैबे से लेकर मार्किज तक ले लें, तो आलमी अदीबों तो उसमें हम ये जरूर देखते हैं, या रशियन जो है दस्तोफिस्की को ले लें, टॉल्स्टॉय को ले लें, तो उन आलमी अदीबों में अगरचे हमें शायरी में तो हम गालिब और इकबाल को शामिल कर सकते हैं, लेकिन फिक्शन में सिर्फ इंतजार साहब थे जिनको मैन बुकर प्राइज के लिए नामजद किया गया, तो उस तरह। और कहीं 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 कुरत हैदर बाजों पे उनके नाम लिए गया आलमी सतह पर, लेकिन जो आलमी शोहरत थी ये तो हमें मानना पड़ेगा कि वो हमारे फिक्शन लिखने वालों को नहीं मिली। अब अगर चिमंटो को है वो दुनिया की बहुत सी जुबानों में तर्जमा हो चुका है, उसको लोग जानते हैं, बल्कि अभी एक फरिश्ते मुझे किसी ने बताया कि शायद हुई है दुनिया की 100 बेहतरीन कहानियों में। लेकिन भी शामिल है, तो इस तरह कहीं कहीं हमें आवाज नजर आती है, लेकिन उस आलमी सतह पे हम मानना चाहिए। नहीं बल्कि मुआसिर दो नाम तो हम ऐसे ले सकते हैं जो यकीनन एक बड़ा रहे, उनमें एक नैयर मसूद है और एक आसिफ अहमद खान।
अच्छा दैट ऑब्वियसली लीड्स अस टू द क्वेश्चंस अबाउट योर बुक्स. जो आई थिंक कई लोग शायद जानना चाहेंगे कि माशाल्लाह से आप ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड उर्दू क्रिटिक हैं और थे, और तो वो शिफ्ट जो आपने किया फिक्शन की तरफ, मतलब ऑब्वियसली एक तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि इंसान एक्सपेरिमेंट करे एक जगह इस्टेब्लिश होने के बाद. तो ये इस डिसीजन की वजह क्या थी कि एक अगेन उर्दू क्रिटिक अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेने के बाद आपने कहा कि मैं अब अफसाना निगारी की तरफ आता हूँ, तो इस पे अगर आप थोड़ी रोशनी डालें. देखिए, मैंने जो लिखने का आगाज था वो अफसाने से किया था, लेकिन फिर कुछ दो तीन छोटे छोटे वाकयात हुए, मैंने अफसाने लिखने बंद कर दिए और वो अफसाने अफसाने छपते भी रहे थे। तो मुसलसल तनकीद लिखने लगा, तो कई साल, मेरे ख्याल 25 साल मैं तनकीद लिखता चला गया। तो उसके बाद मैं ये तो नहीं बता सकता कौन सा खास वाकया हुआ, लेकिन एक चीज मुझे नजर आती है, मुझे शायद आदमी की जब उम्र बढ़ती है तो उसके तो नॉस्टैल्जिया पैदा होता है। तो इसी तरह आदमी की जो जगहों का भी नॉस्टैल्जिया होता है, और आदमी के जो इब्तदाई तजर्बात होते हैं जिंदगी में, जो उनका नॉस्टैल्जिया होता है, आदमी उनको भी याद करता है। तो मेरे ख्याल है ये दोनों चीजें थी। तो मुझे याद आया कि मैंने क्यों खामखा छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तनकीद से बेजार हो गया था, या मुझे लगा कि तनकीद में अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। मैंने उसके बाद भी अफसानों के साथ मेरी तनकीद की किताबें आई हैं, जैसे नज्म कैसे पढ़े हैं, तो वो उनके बाद आई है, तो वो किताबें आती रही हैं। तो एक वजह ये थी कि एक पुरानी मोहब्बत थी वो अफसाने से, वो दोबारा आई। और जब मैंने फिर लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि अफसाने को जो मैंने छोड़ा था, तो मेरा ख्याल है वो दुरुस्त फैसला नहीं था, क्योंकि अगर मैं एक आध अफसाना लिखता तो मैं कह सकता था कि बस मैंने अफसाना लिखने का मेरे अंदर कोई फितरी मैलान नहीं था। तो जब यके बाद दिगरे तीन किताबें आ गई और इस साल इंशाल्लाह चौथी किताब भी आ जाएगी, तो मुझे लगा कि वो तो एक मेरे अंदर एक फितरी एक मैलान था अफसाना लिखने का, और दुनिया को देखने का, दुनिया को समझने का एक तरीका तो जाहिर है तनकीद है, अदब को समझने का, और अदब के जरिए जिंदगी की बाकी चीजों को समझने का। तो एक तरीका बिल्कुल वो फिक्शन है, जो दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं, तो मेरे अंदर है, तो इसलिए मैंने लिखना शुरू कर दिया। और मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, अगरचे लोगों ने, सब बाज ने कहा कि जनाब देखते हैं अब ये तनकीद में तो चले कुछ छोटी मोटी बात कर लेता है, अब देखें फिक्शन में क्या करता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक राइटर अगर जमाने की राय को सामने रखकर लिखता है, तो वो सबसे बड़ी एक बददियानती का इरतकाब करता है अपने आर्ट के साथ। अगर उसके अंदर कोई फितरी सलाहियत है, तो उसको उस सलाहियत को, उसको उसका जो फितरी अंदाज है, उसमें जाहिर होने का मौका देना चाहिए, इस यकीन के साथ कि आदमी का जो अंदर है वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो आदमी का जो कॉग्निशन है ये धोखा दे सकता है, लेकिन आदमी के अंदर कॉग्निशन के अलावा जो एक इंट्यूशन है, या आप एक इमेजिनेशन कह लें, या उसको लाशऊर कह लें, या आदमी का जो एक ट्रू सेल्फ है उसको कह लें, वो आदमी को कभी नहीं धोखा देते। तो मैं अपने उस किसी तरह उस ट्रू सेल्फ को बात करने का मौका देता हूँ, और जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, इसका कारी कौन होगा, नेवर। लेकिन मुझे यकीन होता है कि आदमी का जो ट्रू सेल्फ है वो खुद ब खुद कुछ कारीन पैदा कर लेता है, या उन तक वो खुद ब खुद पहुंच जाता है। तो इसलिए मुझे फिक्शन में भी लगा है कि उसको पढ़ने वाले कुछ लोग हैं। ऑब्वियसली मैं आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट आंसर. लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एट द एंड ऑफ द डे इंसान अगर प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, कि इंसान अगर अपनी आर्ट और क्राफ्ट के साथ सिंसेयर होगा तो उसकी ऑडियंस खुद ब खुद उस तक पहुंच बिल्कुल जाएगी. तो इस पे अगर हम बिल्कुल आगे चलें बिल्कुल कि अगर आप कोई एडवाइस शेयर करना चाहें उन लोगों के साथ जो के राइटर्स बनना चाहते हैं, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर बने अगर, या नॉवल निगार अगर वो बनना चाहते हैं, या
اگر وہ تنقید کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی کہ کیا پیمانے ہیں، کیا کرائیٹیریا ہے جو انہیں مد نظر رکھنا چاہیے؟ ایک تو ڈیفینیٹلی آپ نے بات کر دی کہ اپنی کرافٹ کے ساتھ سنسیئر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ؟ ویسے تو اس طرح کی ایڈوائس میں میں یقین نہیں رکھتا، نہ مجھے خود ایڈوائس دے تو میں اس کو اس کی زیادہ پرواہ کرتا ہوں، اور نہ میں خود رکھتا ہوں کہ لکھنے والوں کو، خاص طور پر جو لکھنے والے ہیں ان کو کوئی ایڈوائس دینا. لیکن ایک چیز میں بس کہہ سکتا ہوں کہ وہ نفسیات کی کچھ میں کتابیں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، ایک ارنسٹ بیکر کی کتاب ڈینائل آف ڈیتھ، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہر بچہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر جینیس ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا اندر، اس کے اندر جو اتنی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی ہر بچے میں دیوتا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ جیسے بڑا ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ایک پیدا کرتے ہیں عادت کنفارمیٹی کی، کہ آپ سوشل نارم کے ساتھ، کلچرل نارم کے ساتھ کنفارم ہوتے جائیں، مطابقت اختیار کریں، اور ان کو، ان کی زیادہ بچوں کی پذیرائی ہوتی ہے جو جو رائج نارمز ہوتے ہیں، اقدار ہوتی ہیں، جو آداب جن کو آپ کہتے ہیں، جو ان کے چلا جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا. تو میرا اس کو اور وہ لکھنے کا آغاز کریں، اور وہ دیکھیں کہ وہ کیا لکھ سکتے ہیں. رائٹر کی پیدا کردہ مت ہے، ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کی ہے. تو کوئی آواز آ رہی ہے جی بیچ میں، ایکچولی آئی تھنک کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، لیکن وہ بیک آن لائن. تو سوری، آپ کہہ رہے تھے کہ ہر رائٹر کے اندر، ہر انسان کے اندر رائٹر بننے کی ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے. ہاں جی، وہ مطلب وہ رائٹر بھی بن سکتا ہے، آرٹسٹ بن سکتا ہے، کسی اور شعبے میں جا سکتا ہے. تو لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ اگر ان کے اندر کہیں بھی اظہار کی کوئی خواہش ہے تو اس اپنے اولین جو بچپن کے تجربات ہیں وہ ان کو زندہ رکھنا چاہیے، یعنی جو تھیرا وہ ٹوٹ گیا تھا اس کو جوڑنا چاہیے، اور کسی کی پرواہ کیے بغیر لکھنا چاہیے. مطلب وہ اٹھائیں کاغذ، اٹھائیں قلم، اٹھائیں لیپ ٹاپ، اٹھائیں اور اس پہ لکھنا شروع کر دیں، اور وہ رفتہ رفتہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو ایک رکی ہوئی ایک بہاؤ تھا وہ ایک جاری ہو جائے گا اور وہ لکھیں گے. ہاں، ان کو مسلسل مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، اگر وہ فکشن لکھنا چاہتے ہیں تو دنیا کے بڑے فکشن کو، لیکن مطالعہ کرنے کے بعد اس کو بھلا دیں، کبھی کسی لوگوں کو پڑھیں اور ساتھ ایک تنقیدی آگہی ساتھ رکھیں، تاکہ تنقیدی آگہی کیا کرتی ہے، وہ آپ کے اندر جو ایک تقلید کا جذبہ ہوتی ہے وہ نہیں پیدا ہونے دیتی، وہ اس کو اپنی ٹھیک جگہ پہ رکھتی ہے. مثلاً اگر ہم کوئی بھی امپریشن باہر سے لیتے ہیں، اگر اس کو ہم انالیسز نہیں کرتے تو وہ امپریشن ہمارے اندر ایک پروسیس شروع کرتا ہے جس کو ہم ادرنگ کا پروسیس کہتے ہیں، اور ہمیں وہ ایک ہمارے اندر ایک حاکمانہ ایک حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور ہمیں وہ اپنی مرضی کے مطابق چلانا شروع کر لیتا ہے. لیکن ہم کسی بھی امپریشن کو، خواہ وہ ہمارے باہر سے لیں یا رائٹنگ جب چیزوں کو پڑھتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کا اگر انالیسز کرتے جائیں، اور کرٹیکل انالیسز، اور اس میں اپریسیشن بھی شامل ہوتی ہے، کرٹیکل اپریسیشن پلس ان کی ایک انالیسز، تو اس کے ساتھ وہ خود بخود ان کو ان کی جگہ مل جاتی ہے. تو وہ پڑھیں ضرور، لیکن کسی کے نقشے قدم پہ نہ چلیں، وہ اپنا ایک نقشے قدم پیدا کریں. تنقید میں جانا چاہتے ہیں تو تنقید میں بھی سب کو پڑھیں، لیکن ان کے بارے میں ایک اپنی رائے قائم کریں. تو میرا خیال ہے وہ یہ دو کام اگر کریں، خود سوچنا اور دنیا کے جو بہترین اب تک لکھا گیا ہے اس کو مسلسل پڑھنا، تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس مزید اور نئی نسل میں سے اچھے رائٹر نہ ہوں. اچھا، ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے متین خان صاحب کی طرف سے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ضرور کر لیجئے کہ حالیہ دنوں میں ایک وبائی ادب پروان چڑھ رہا ہے، اس پر کچھ اظہار خیال کریں پلیز.
वैसे तो ये जो इस्तलाह है, खासी एक डेरोगेटरी इस्तलाह है, वबाई अदब। ये वबा के दिनों का अदब होता तो शायद ज्यादा बेहतर ये होती। देखें, वबाई वबा के दिनों में, वबा एक बोहरान है, तो बोहरान के दिनों में लिखा जाता है, उसमें से बहुत सा हिस्सा जो होता है वो हंगामी अदब होता है, वो वक्ती होता है, वो चला जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि उसी वक्ती अदब में कोई अच्छा फनपारा भी आ जाता है, क्योंकि अदब लिखने के लिए जो बड़ा या अच्छा अदब जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा कोई भी वो जो अपना वक्त होता है, मसलन अभी मेरे पास एक किताब पड़ी है बोर्खीज़ की, कन्वर्सेशन, जिसमें उनके इंटरव्यूज शामिल हैं। तो वो कहते हैं कि जो दुनिया का, जिसको हम आर्ट कहते हैं, तो आर्ट की दूसरी खसूसियत ब्यूटी है। और वो कहता भी है कि ब्यूटी लफ्ज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक बदनाम हो गया, लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आर्ट का बुनियादी काम ब्यूटी है। और जो ब्यूटी होती है वो एक तरह की, वो उसकी जो वजाहत करता है एक और आथर के हवाले से, कि जो ब्यूटी होती है वो इंसान के दिल में एक जो खुदाई कुव्वत है और एक शैतानी कुव्वत है, इनकी बाहमी कश्मकश का नाम है, और वो इंसान के दिल में लड़ी जाती है। तो आर्ट में ये जो कश्मकश है वो एक आपको दिखाई देगी, और उसी से एक हुस्न पैदा होता है। यूं आप कह सकते हैं कि एक जब आदमी लड़ाई में होता, क्या है, लड़ाई में आपकी जो बेहतरीन सलाहियतें होती हैं वो हमेशा उस वक्त पैदा होती हैं। नॉर्मल हालात में आदमी को ये आजमाइश दरपेश ही नहीं होती कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार करे। तो बुरहान में अगर आदमी इस बुरहान को उतनी शिद्दत से महसूस करे कि वो उसकी जो बेहतरीन अंदर की सलाहियतें, क्रिएटिव सलाहियतें हैं, वो पैदा हो जाएं, तो वो लिखा जा सकता है। लेकिन अगर वबाई दिनों में सिर्फ अपना रोना धोना हो कि मैं तन्हा हूं, मैं मारा गया हूं, मुझसे ये बना बर्दाश्त नहीं होती, तो वो एक मौजू मिसरा तो हो सकता है, वो अदब नहीं हो सकता। तो आप सवाल ये कि आप इस कर्व को कितनी गहरी सतह पर महसूस करते हैं, और इस एक तरह से जो एक मौजूदा लम्हा होता है, इसको एक इंटरनेटी जो होती है, एक आफाकियत आप कह लें, या उससे आप कितना जोड़ते हैं। तो अगर एक आप एक लम्हे तक महदूद हैं और उस लम्हे की जो शिद्दत है उस तक, तो वो तो एक जज्बाती अदब होगा। लेकिन अगर आप उस लम्हे को अबूर करके आपके अंदर एक बहुत पेशेंस पैदा हो, और जाहिर है वो उसके लिए एक बड़ा ज़र्फ, बड़ा एक बड़ा इमेजिनेशन, एक बड़ा दिल चाहिए, तो वो अगर हो सके तो फिर वबा के दिनों में भी अच्छा अदब लिखा जा सकता है। और हमारे यहाँ मिसालें भी हैं, मसलन मंटो ने बेहतरीन अफसाने जो थे वो एन फसादात के दौरान में लिखे। तो ये बाज लोग कहते हैं कि जब ये जमाना गुजर जाए तो फिर लिखा जाएगा, तो ये मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ हो सकता है। तो अच्छा अदब भी ये, लेकिन आइंदा चंद सालों बाद हम देखेंगे कि जो आजकल लिखा जा रहा है इसकी सही जो कदरों कीमत क्या है, फौरन हम उनके बारे में शायद ये राय कायम ना कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने कहा कि वबा के दिनों में अगर इंसान अपनी शख्सियत के अंदर ही खो जाए और उस तरह की चीज़ों के ऊपर लिखे जो कि शायद और लोगों को अपील ना करें, रिलेटेबल ना हो, तो शायद वो एक, जिसे हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड हो लेकिन उसकी कोई इतनी लॉन्जेविटी ना हो, इतनी लाइफ ना हो। सिमिलरली जो एक दौर होता है जिसमें इंसान मुश्किलात से गुजर रहा होता है, उसमें कई लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिविटीज़ हाईलाइट करते हैं, चाहे वो लिटरेचर के अंदर हो, चाहे वो किसी तरह का भी एक्सप्रेशन हो, अक्सर लोग उस तरफ निकल जाते हैं और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जनरली ये इम्पैक्ट इंसान की साइकी के ऊपर होता है। तो एक जो सवाल शायद मेरे भी जहन में और डिफरेंट लोग भी पूछते हैं कि स्पेशली इस तरह के वक्त में पॉजिटिविटी को किस तरह तलाश किया जाए, हाउ डू यू फाइंड दैट सिल्वर लाइनिंग जो कि आपको डिस्पाइट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग कि आप होप की तरफ जाएं, आप उम्मीद की तरफ जाएं, आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें इंस्पायर कर सकें, और शायद उसका सबसे पहला स्टेप है कि अपने आप को आप इंस्पायर कर सकें। मेरे ख्याल आपने खुद ही ये सवाल का बहुत अच्छा जवाब दे दिया है कि वो जाहिर है जो कोई भी जो नेगेटिविटी होती है वो आदमी के लिए भी जहर होती है, और उसके इर्द गिर्द लोगों के लिए भी और माशरे के लिए भी जहर होती है। तो उस नेगेटिविटी से तो बचना चाहिए, बल्कि इन दिनों में जब हम एक तकलीफ का शिकार हैं और पूरी दुनिया, आधी से ज्यादा दुनिया एक तरह के क्वारंटीन में चली गई है, और फिर बाकी लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो एक तो हमें जो लोग इसके खिलाफ बाकायदा एक जंग कर रहे हैं,
जैसे डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, हमें उनको ज़ाहिर है खराज तहसीन पेश करते रहना चाहिए, या जो वो बेचारे लोग हैं जो भूखे लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, उनके काम आते हैं, उनके लिए हमें अच्छे लफ्ज़ों का इजहार करना चाहिए, और फिर हमें अपने अंदर भी सब्र और हौसला पैदा करना चाहिए। और एक चीज़ है जो हम देखते हैं कि दुनिया के जो बड़े अदीब हैं, वो ये है कि वो जितनी तकलीफ में भी हों, उन्हें अपने अंदर एक उसको कहना चाहिए कि ह्यूमर, या वो रखना चाहिए मिजा की एक, और मिजा याद रखिए उसके लिए बहुत जहानत चाहिए होती है, और वो हमें जैसा उसी तरह की जराफत या मिजा जो हमें गालिब क्या नजर आता है, तो वो एक यानी मिजाज जो जिंदगी की उस आप उसको देखते हैं बुलंद सतह पे देखते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए ना, इस कोरोना की वबा को अगर आप गालिब जैसे किसी आदमी की निगाह से देखें कि होता है शबरोज तमाशा मेरे आगे, तो वो एक ये जो है एक छोटा सा पीरियड है, अगर आप इंसानी तारीख को उसका एक नक्शा बनाएं तो उसमें ये चंद दिन कोई हैसियत नहीं रखते, ये गुजर जाएंगे। तो इसलिए इसको इस पे हमें अपने अंदर और आदमी के अंदर ये दोनों कुव्वतें हैं, ये जितनी कुव्वत उसके अंदर तबाही की है उतनी ही कुव्वत चीजों को तामीर करने की है, ये डिस्ट्रक्टिव पावर्स और जो कंस्ट्रक्टिव पावर्स हैं ये हर आदमी के अंदर मौजूद हैं। हमें ये चाहिए कि हमारे अंदर जो डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं वो फितरी तौर पर मौजूद हैं, हमें उनको एक तरह से पीछे रखना चाहिए, और हमारे अंदर जो एक तामीरी सलाहियत है, हमें मुस्कराने की, दूसरों को मुस्कराने के मौके फराहम करने की सलाहियत है, और दूसरे वो अपने खुद अपने अंदर चीज़ों को एक हौसले और वकार के साथ बर्दाश्त करने का जो एक जज्बा है वो कायम रखना चाहिए और दूसरों तक उसको पहुंचाना चाहिए, और जो अगर नेगेटिविटी जाहिर करते हैं तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए और उनके सामने दूसरी मिसालें ले आनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी से इंसान के हौसले कमजोर होते हैं, और ऐसे मौके पे तो जो कमजोरी है किसी भी तरह की, ख्वाह वो एक फर्द में, अगर आप घर में आए तो आपके घर के लोग जो हैं वो अगर आप कमजोरी का मुजाहरा करते हैं तो उसका असर फौरन दूसरों पर पड़ता है, तो आपकी आप पे जिम्मेदारी आती है कि आपका अगर आप हौसले के साथ जी रहे हैं, खुशी के साथ इसको कबूल कर रहे हैं, तो वो दूसरों की भी आप एक ये मदद कर रहे हैं, तो मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती, मदद आपके इन मुस्बत रवैयों से भी होती है। तो इसी तरह अच्छी अच्छी चीजें शेयर करने की और मौजूद हैं, और पीछे हमारे अदब में और हमारे आर्ट में, मौसीकी में, फिल्म, ऐसी बेशुमार चीजें हैं, तो उनको हमें पहुंचाते रहना चाहिए लोगों तक। अच्छा, मेरे पास कुछ और सवालात भी हैं तो वो मैं उन पे बाद में जाऊंगा। उससे पहले कुछ लोग जो सवाल भेज रहे हैं वो मैं पूछ लूं वरना फिर अच्छा नाराज़ हो जी जाएंगे। फैसल नदीम साहब पूछ रहे हैं कि मीर को कैसे पढ़ा जाए, कि क्या उनकी शायरी पूरी तरह समझ आ जाए, कि कुलियात मीर मुसलसल एक ही बार में पढ़नी चाहिए या उसके बीच में और चीज़ें भी पढ़ी जा सकती हैं। देखें, पढ़ने में आप आजाद हैं, आप सवाल ये कि आप उसको किस लिए पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि आपने मीर पे काम करना है, एक संजीदा नौयत का कोई तनकीदी काम करना, फिर तो सब पूरा पढ़िए, मीर शुरू से लेकर आखिर तक मीर पढ़िए, और जो मीर पे लिखा गया है उसको पढ़िए, सैयद अब्दुल्ला से लेकर आप शमसरमान फारूकी साहब की शेर शरोंगेज की सारी जिल्दें पढ़िए, तो वो तो अगर आप उस पे, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि मीर एक ऐसा शायर जो हम सब जमानों का शायर है, तो फिर आप जैसे आपको जी चाहता है, क्योंकि शायरी जो होती है, शायरी जो खास बड़ी शायरी होती है वो एक फिक्शन की तरह आप एक दिन में 100 सफ़ा नहीं पढ़ सकते, अगर आप 100 सफ़ा पढ़ेंगे तो शायद शायरी से आप वो लुत्फ और उसके साथ वो जो मुकाम वो नहीं कर सकेंगे। आप जिस तरह अच्छी गिजा आप चबा चबा कर खाएं तो वो आपके लिए ज्यादा आप उससे लुत्फानंदोज होते हैं, कोई और सवाल? ये तो हो गया। जी। एक और सवाल आया था अली उस्मान बाजवा साहब की तरफ से। वो पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज ऑन द साइकी ऑफ द मैसेस एंड हाउ डज लैंग्वेज कनेक्ट अस विद आर पास्ट। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हमें अपने माजी से जोड़ती है, दैट इज लैंग्वेज।
जुबान से ज्यादा कोई चीज हमें अपने माजी से नहीं जोड़ती, इसलिए कि हम जुबान में बोल रहे हैं तो जो भी लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ये माजी में बनाया गया था, ये मैंने और आपने आज नहीं बनाया। तो बल्कि बाज लोगों ने तो इस पर बाकायदा तहकीक भी की है कि जब तक आप कोई जुबान बोलते हैं आपका ताल्लुक माजी से खत्म नहीं हो सकता, आप माजी में रहते हैं। इसीलिए जब आप किसी प्रेजेंट एक्सपीरियंस को लिखना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज, नई लैंग्वेज आपको इन्वेंट करनी पड़ती है। अगर आप अपना एक नया तजर्बा लिखना चाहते हैं, वो शायरी में हो, फिक्शन में हो, यहाँ तक कि अगर आप तनकीद में भी आप अपने नया ख्याल का इजहार करना चाहते हैं तो आपको कुछ नई जुबान बनानी चाहती है। और नई जुबान से मुराद ये नहीं कि नए लफ्ज बनाएं, लेकिन जुबान के वो नए पैराए भी हो सकते हैं, यानी पैराया और लफ्ज बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। नया पैराया नया स्टाइल हो सकता है, या फिर उस तरह जो लफ्ज के जो मुख्तलिफ मजाजी इस्तेमाल आते हैं उनको मेटाफर्स बनाना, उनको नए इमेजेस बनाना, उनके नए सिम्बल्स बनाना, वो आपको करना पड़ता है। तो जुबान तो बिल्कुल आपको माजी के साथ जोड़ती है, लेकिन जब तख्लीकी लम्हा कोई आता है तो उस वक्त आपको माजी में जुबान के जो इस्तेमाल आते हैं उनसे आगे जाना पड़ता है। तो और मेरा ख्याल है कि अगर हमें अपने माजी से रिश्ता रखना है तो अपनी जुबान के साथ हमारा रिश्ता, जितना एक कवि होगा तो हमारा अपनी माजी और रिवायत के साथ भी रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। और जुबान का जानते हैं इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, यहाँ तक कि जो खास तो स्ट्रक्चरलिज्म है उसने तो ये डिस्कवर किया है कि हमारा जो वर्ल्ड व्यू होता है वो बनता ही जुबान से है। हम जो जुबान बोलते हैं वही जुबान बिल्कुल एक लाशौरी तौर पर हमारा जो वर्ल्ड व्यू, हम दुनिया को कैसे देखते हैं वो बना रहा होता है। और अगर आप जुबान का मुताला करें तो आप उस वर्ल्ड व्यू में होने वाली तब्दीलियों को भी समझ सकते हैं। तो जुबान का इंसानी कॉग्निशन के साथ, इंसानी इदराक के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। लफ्ज आप देखिए ना, एक ही लफ्ज हमें कितनी सतहों पे मुतासर करता है। तो जुबान के साथ इंसान का बहुत गहरा रिश्ता है, हर सतह का। सही। औरंगज़ेब नियाज़ी साहब पूछ रहे हैं, तनकीद और तख्लीक अगरचे अदब ही के शोबे हैं लेकिन दोनों की दुनिया मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ दुनियाओं में बसर करने का आपका तजर्बा कैसा है? नियाज़ी साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, तो उन्होंने एक मुश्किल सवाल पूछा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो जो एक मिसरा है निदा फाजली का, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, एक आदमी नहीं होता। तो और इसी तरह एक आदमी में एक तरह की सलाहियत नहीं होती, कई तरह की सलाहियतें होती हैं। तो तनकीद की सलाहियत एक इंटेलेक्चुअल सलाहियत है, मुझे इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करना, सुनना, वो किताबें पढ़ना जिनमें इंसानी इंटेलेक्ट का बेहतरीन इजहार हुआ मुझे पसंद है। मैं सिर्फ तनकीद की किताबें नहीं पढ़ता जो दूसरे समाजी उलूम है, नफ्सियात है, कुछ फिलासफी है, तारीख है, लसानियात है, इनकी भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो अच्छी किताबें मुझे मिले उनको मुताला करूँ। तो तनकीद मेरे लिए तो एक इंटेलेक्चुअल एक एक्टिविटी है, एक इंटेलेक्चुअल डायलाग है, एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन है विद सोसाइटी, विद कल्चर, और उसके साथ जो अदबी टेक्स्ट हैं उनके साथ। तो मैं इसलिए जब तनकीद लिखता भी हूँ तो मेरा उसके साथ जो एंगेजमेंट होती है वो इंटेलेक्ट की सतह पर एंगेजमेंट होती है। कुछ लोग होते हैं जो तनकीद लिखते हैं तो तनकीद को इंशाइया बना देते हैं, या तनकीद में वो एक उसका जो अदा उसकी तफहीम करते हैं वो तासुराती होती है। तो मेरा ख्याल है उसको तनकीद कहना बहुत मुश्किल है, वो एक साहिब ज़ौक का अदब के बारे में इजहार ख्याल हो सकता है, उसकी भी एक जगह है मैं मानता हूँ। लेकिन जिसको हम तनकीद कहते हैं वो तो पूरी इंटेलेक्चुअल है, जो टेक्स्ट है उसकी तमाम जो लेयर्स हैं उनको खोलते हैं, फिर वो किस तरह तारीख के साथ, जुबान के साथ, कल्चर के साथ, मॉरल वैल्यूज के साथ, इंसान की नफ्सियात के साथ, इंसान के एग्जिस्टेंस के साथ, किस तरह वो चीजें वो एक हो, तो वो देखते हैं। जहां तक बाकी जो क्रिएटिविटी है, जाहिर उसका ताल्लुक आपकी इंट्यूशन के साथ है, आपके लाशऊर के साथ है, ये बिल्कुल एक और चीज है। यानी हर आदमी में जिस तरह दायां और बायां दिमाग है, दोनों की अलग है, जो आपका एक दिमाग पुराना और एक नया है, एक लॉजिकल माइंड है और एक बिल्कुल इरेशनल माइंड है, ये दोनों आदमी में होते हैं। तो जो तख्लीक है उसका ताल्लुक इंट्यूशन के साथ है, आपके लाशऊर के साथ है। तो मुझे ये दोनों तरह की जिंदगी, मतलब कुछ लोग होते हैं जो एक तरह की जिंदगी, वन डायमेंशनल जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मतलब सिर्फ इंटेलेक्ट है तो इंटेलेक्ट के साथ और अगर इंट्यूशन है तो इंट्यूशन के साथ, तो मेरे ख्याल है वो आधे आदमी होते हैं। तो पूरा आदमी होने के लिए जिस तरह आदमी, अगर मुझे जिस तरह
मिला मिला है और एक इंसानी रूह मिली है, तो मुझे इन तमाम के साथ एक रिश्ता उस्तवार रखना चाहिए, फिर मैं एक तरह का वो सफर कर सकता हूँ जिसको कम इंसान बनने का सफर, कामिल इंसान तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इंसानी सतह पर जिंदगी बसर करने के लिए आपके अंदर जो डाइवर्स और एक मुतनव्वे सलाहियतें फितरत ने रखी हैं, आदमी को उनके साथ चलना चाहिए। इससे फिर जिंदगी की आपकी जो होती है एक होलिस्टिक एक तस्वीर आती है। अगर एक तरह की रखी जाए तो वो एक तस्वीर होगी, वो एक कैद खाना बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ फर्ज की तनकीद पढ़ता हूँ तो वो मैं कैद खाने में हर चीज को सीधे, लेकिन जब मैं तख्लीक की तरफ आता हूँ तो वो बिल्कुल दूसरी दुनिया। और फिर तख्लीक में भी मैं अगर थोड़ी सी इजाजत दीजिए अपने बारे में बात करने का, तो हर अफसाना दूसरे अफसाने के लिए अलग टेक्निक हो, उसको तोड़ा जाए। यानी अगर कहानी लिखने का एक अंदाज नहीं है, अभी चौथी किताब आएगी तो उसमें आप देखेंगे वो पिछली कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, उसमें टेक्निक को भी मौजूदा भी अलग होंगे। ये तो हमें एक मौका देती है कि हम जिंदगी को मुख्तलिफ सतहों पर जी सकें, और एक मुसलसल जो एक एक्सप्लोर करना है उसको जारी रख सके। तो मुझे ये दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर, मैं इनको एक शिक्षक के समझता हूँ और इन दोनों को साथ साथ लेके चलने में। जी एक और सवाल आया है कि आपके नुक्ता नज़र में अमली तनकीद क्या है, और अमली तनकीद के लिए कोई किताब बता दें। देखें, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लिखी अमली तनकीद गई है, गालिब पे जितनी किताबें हैं, राशिद पे जितनी किताबें, इकबाल पे जितनी किताबें हैं अमली तनकीद है, मीरा मीर पे जितनी किताबें हैं, तो हमारे नजरी तनकीद तो बहुत कम लिखी गई है ना। कलीमुद्दीन अहमद ने एक जमाने में एक किताब लिखी है असूल तनकीद के नाम से, जिसमें नजरी तनकीद थी और दूसरी अमली तनकीद के नाम से लिखी। तो अमली तनकीद की किताबें तो मीरा जी से लेकर मसलन जैसे इस नज्म में वो उसकी अमली तनकीद की किताब है, फिर उसके बाद आगा साहब की नज्म है, किताब है, वजीर आगा की किताब है, वो क्या नाम है उसकी, नज्म के बारे में ही है। तो वो इसके अलावा शायरी पे, फिक्शन पे बेशुमार किताबें हैं। किसी भी मुसन्नफ पे आप किताब उठाएंगे तो आपको वो अमली तनकीद मिलेगी। नजरी तनकीद हमारे यहाँ हमेशा एक उस पर सवालिया निशान लोग लगाते हैं, वो कम पढ़ते हैं। नजरी तनकीद की किताबें हमारे यहाँ खालिस नजरी तनकीद की किताबें बहुत ही कम है, ज्यादा किताबें लिखी अमली तनकीद की गई है। हाँ, अगर आप अच्छी अमली तनकीद की कहना चाहते सुनना चाहते तो मैं नारायण साहब की किताब अभी गालिब पे आई है, संगमील से शायरी हुई है और इंडिया से भी शायरी, अंग्रेजी उसका ऑक्सफोर्ड ने तर्जुमा शायरी किया है, उसको देखिए। शमसुर्रहमान फरूकी की शेर शोर अंगेज वो खालिस अमली तनकीद की किताब है, शायरी का तजियाती मुताला करती है, आप उनको पढ़िए। शमी मनफी साहब की किताबें हैं, गालिब पर किताबें हैं, आप उनको देखिए। मीरा जी पर उनकी किताब है, उसको देखिए, वो सारी अमली तनकीद की किताबें हैं। तो मेरे हर नकाद की अमली, वारिस अलवी की फिक्शन पर बहुत अच्छी अमली तनकीद की किताबें हैं। तो हमारे यहाँ तो है ही, किसी भी नकाद की किताब उठाएंगे तो उसकी 99% किताब की किताबें हैं। और अगला सवाल जी मीम नून अलिफ साहब की तरफ से है। डिस्प्ले पिक्चर में साहब की है, तो आई डोंट नो कि मीम नून अलिफ से क्या बनता है। अलबत्ता उनका सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको कम से कम यूट्यूब पर एक चैनल बनाकर उस पर लेक्चर्स भी देने चाहिए। ये बड़ा मुश्किल काम है। तो जब कभी बहुत ज्यादा वक्त हुआ तो फिर ये सोचेंगे। अभी तो मैं खुद बहुत सी किताबें मुझे अभी लिखनी है, मेरा ज्यादा वक्त उसमें अब सर्फ हो रहा है, लेकिन ये अच्छी चीज है अगर ये समझते हैं कि होना चाहिए। तो देखिए, मैं कोशिश करूंगा तनकीद के हवाले से कुछ थ्योरीज के हवाले से जो कुछ उलझने हैं उनको सादा जुबान में, ये मैं सोचूंगा जरूर इस पर इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास ऑब्वियसली कहते हैं हमने आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिया, तो मैं डेफ़िनेटली आपकी जो किताबें हैं कुछ वो डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा। आपने भी अपने अफसानों का जिक्र किया जी था, तो जिस तरह से आपने कहा कि हर अफसाना या हर कहानी एक डिफरेंट तर्ज अमल या अब डिफरेंट पहलुओं को उजागर करती है, इसमें मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि खाक की महक से
राग से लिखी गई किताब तक का जो सफ़र है, उसमें आप किस तरह से डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ माइंड से गुजरे हैं? मतलब जब आप खाक की महक लिख रहे थे, तब क्या फ्रेम ऑफ माइंड था? किस किस आप मोड में उस चीज़ को लिख रहे थे? क्या ऐसी चीज़ें थी जो आप हाईलाइट करना चाह रहे थे, वर्सेस क्या जो एक क्रिएटिव फीलिंग थी राख से लिखी गई किताब लिखते वक्त, वो सिमिलर थी, या फिर आप एक बिल्कुल ही डिफरेंट अगेन फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर थे? देखिए, जो पहली किताब थी खाक की महक, जैसे कि ये नाम से भी जाहिर है और इसी नाम से अफसाना भी है, तो वो बेशतर अफसाने तो मैंने जिस गांव को छोड़ा था, जहां मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, और जो अभी मेरे ख्वाबों में सबसे ज्यादा आता है, तो ये तो ज्यादातर उसकी कहानियां हैं, यानी उस गांव की, उस खाक की, उस मट्टी की कहानियां हैं जहाँ से मेरा जन्म हुआ था। तो उसमें तो ज्यादातर मैंने एक तरह से उस खाक को रिक्लेम करने की कोशिश की है, और उस कहानियां लिखी हैं, वो किताब भी सारे वहीं की हैं, अच्छे बुरे पहलू उन्हीं के हैं, और पहली किताब में तो वो मौजू हावी। अगरचे उसमें एक मैंने नया तजर्बा ये किया था कि कुछ मैंने हिकायात लिखी थी और उनको नाम भी दिया, एक हिकायात जदीद और माँ बात जदीद। तो मैंने क्यों नाम दिया ये तो मैं फिर किसी वक्त कोई सवाल करेगा तो बताऊंगा कि उन्हें जदीद और माँ बात जदीद ये दो अलग 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 नाम सोची होती, लेकिन वो एक पुरानी हिकायत की तरह नहीं थी, वो छोटी छोटी कहानियां थी जिनमें कुछ पुराने जो टेक्स्ट थे उनके अंदर जो एक गैप थे, उन गैप में से नई कहानी उगाने की कोशिश की। ये खर्चे मैंने आगे खींचता नहीं है, उसमें भी ये हिकायत वाला सिलसिला जारी रखा, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ हिकायत लिखी। जो फरिश्ता नहीं आया, उसमें जो कहानियां हैं वो उस मेरे गांव की, जो खाक की, वो उनके वो कम हो जाती है, और उसमें जो शहरी जिंदगी है, जो बात की है, कुछ लाहौर उसमें जाहिर होता है, जो मैंने अब मुझे यहाँ 15-16 बरस हो गए रहते हुए, वो उसमें कुछ जाहिर होता है, और फिर उसमें कुछ जो इंसान के एग्जिस्टेंशियल और पॉलिटिकल है वो होते हैं। आप देखेंगे मेरे अफसानों में, एक जो दूसरी दो किताबों में खास तौर पर पॉलिटिकल और एग्जिस्टेंशियल जो पहलू है बहुत ज्यादा है। तीसरी किताब में, खुराक से लिखी गई किताब में, जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है, इसमें जो हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी आई है, ये इसका सबसे बड़ा है, और उसमें उनके अफसानों के नाम से भी जाहिर है कि अकीदा आदमी का होता है, लाश का नहीं। मतलब वो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि क्योंकि मेरे पास, अगर मैं लिखता बिल्कुल बराह रास्त तो शायद मैं वो ना लिख सकता, वो कहानी का चूंकि पास मेरे पास एक टेक्निक थी, तो उसमें वो मैं सारी बातें कह सका हूँ जो बाकी नहीं कही जा सकी। तो उसमें उस किस तरह उस शिद्दत पसंदी ने हमारे समाज को मुतासर किया है और हमारे रवैयों को मुतासर किया है, और समाज के जो लोग हैं उनके जो तसव्वुरात हैं, या उनको किस तरह, किस गहरी सतह पर उनको चोट पहुंचाई है, और लोग किस तरह एलिनेट हुए हैं एक दूसरे से, के लोगों के अंदर, यानी हालांकि समाज तो उसको हम कहते हैं जहाँ लोग एक दूसरे के साथ शरीक हो, लेकिन जब शिद्दत पसंदी आती है तो एक आदमी दूसरे आदमी से कट जाता है, महज इसलिए कि दरमियान में जो मुख्तलिफ आपका मसलक है, या मुख्तलिफ अकीदा है, या मुख्तलिफ आप कम्युनिटी और गिरोह से ताल्लुक रखते हैं, ये दरमियान वाले, यानी जो आइडेंटिटी है वो लोगों को इतना तकसीम करती है और इतनी उसके उनके अंदर एक शिद्दत पैदा करती है कि लोग, सबसे बड़ा जो एक क्राइम है, ये सबसे बड़ी जो भयानक चीज है वो कत्ल है, वो कत्ल करने से भी नहीं चूकते। तो वो उसमें मेरा ख्याल है वो राख से लिखी गई किताब में ये पहलू उसमें ज्यादा आया है कि हमारा समाज रफ्तार रफ्तार जिस तरह गया है। और फिर इस शिद्दत पसंदी को सिर्फ ये नहीं किया गया कि इंसान कत्ल तक लोग पहुंच जाते हैं, बल्कि ये है कि मरने के बाद भी जो शिद्दत पसंदी है, मतलब अपने कब्रिस्तानों में उनको दफन नहीं करने देते, ये एक, यानी हर सतह पे उसने हमें मुतासर किया, कल्चरली हमें मुतासर किया है। तो फिर उसमें एक चीज ये भी आती है अफसानों में कि आदमी आखिर जिंदगी के बुनियादी मानी क्या है, मतलब उसका आखिरी अफसाना जो है खामोशी का सुर, वो एक अजीबो, वहां वैसे लगता है कि जैसे आदमी जब बहुत ज्यादा बोल ले या लिख ले तो फिर उसके बाद उसका एक अंदर एक ख्वाहिश राइटर्स को अपना बेहतरीन काम करके खामोशी से फिर बैठ जाना चाहिए, यानी राइटर्स को भी रिटायर होना चाहिए, ये मेरा एक अब तक आइडिया है। जब आपको लगे कि आपने अपना बेहतरीन काम कर लिया है और आपके पास नया काम करने के लिए ना आइडियाज हैं,
ना आपके पास वो एक आ रहा है, अगर आपको लगता है कि आप रिपीट कर रहे हैं तो आपको लिखना तार कर देना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद मेरा वो मरहला आ गया, लेकिन बाद में खुद ब खुद अफसाने कुछ लिखे गए उनसे मुख्तलिफ थे लिहाजा, तो मुझे लगा कि वो खामोशी का सुर एक सिर्फ एक यानी ख्याल था, तो अभी खामोशी तारी नहीं हुई, अभी बोलना और लिखना जारी है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जो अगली किताब आ रही है जी उसका फंडामेंटल आइडिया क्या है, या अभी तक अभी आप उसे उसे राज रखना चाहेंगे उस चीज़ को? देखिए, उसमें बिल्कुल और तरह के हैं वो अफसाने। मसलन मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो चीज हमें मुतासर करती है वो इंसानी रिश्ते हैं। इंसानी जिंदगी में अगर एक इंसान जिंदगी का मुताला करें तो इंसान सबसे ज्यादा जिस जो इंसान को खुशी देते हैं या राज देते हैं या उसके लिए मुसीबतें पैदा करते हैं या उसकी जिंदगी तब्दील, तो वो इंसानी ताल्लुकात या इंसानी रिश्ते हैं। तो इनमें से कुछ कहानियां इंसानी रिश्तों की कहानियां हैं, और कुछ ये है कि लोग बाज चीज़ों को बाज मौक़ों को पॉलिटिकली यूज़ कैसे करते हैं, बड़ी बड़ी सतह पर, यानी पावर का और आइडियाज़ का क्या रिलेशन है। अब इससे ज़्यादा भी नहीं बता सकता, जब वो आएंगी तो फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और सवाल हमें मौसूल हुआ है, तो वो पूछ के फिर विल ट्राई टू रैप अप अगेन। वी टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम टुडे। हमारे अदब शमील हुसैन साहब पूछ रहे हैं कि हमारे अदब, अदीब और तनकीद का रिश्ता आर्ट से बहुत कमज़ोर है, जबकि आलमी तनाजुर में फ़नून लतीफ़ा की बड़ी असनाफ एक दूसरे से बाहम, ये क्लियर नहीं है, बाहम मरबूत नज़र आती है। आर्ट से ही बड़े तनकीदी नज़रियात का जन्म भी हुआ। इससे मुतालिक नासिर भाई की क्या आ रहा है आदाब? और सॉरी, एक और है कि जी अभी तक नावल लिखने का ख्याल क्यों नहीं आया? नसीम बानो साहिबा पूछ रही हैं। हाँ जी, अच्छा। वो पहला तो ये है कि वो नावल इंशाल्लाह इसी बरस आएगा, तो वो इंशाल्लाह वो आ जाएगा। तो शमील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, एक जमाना था कि जब उर्दू अदीबों का और उर्दू अदब का आर्ट से बहुत गहरा रिश्ता था। अदीब और मुसव्विर और मौसिकार ये मिलके बैठते थे, खुद इसके गवाह ये हैं लाहौर की, जो अगर आप पुरानी देखें मसलन चिरागों का धुआं पढ़ें, इंतजार साहब की किताबें पढ़ लें, तो उसमें आपको वो नजर आएगा कि वो शाकिर अली भी उनके साथ बैठे हैं, अमानत अली भी बैठे हैं और बाकी अदीब भी बैठे हैं, शायर, फिक्शन निगार, नक्काश सारे एक जगह बैठते थे। अब ये रफ्ता रफ्ता आप ये कह लीजिए कुछ ऐसी समाजी तब्दीलियां और कल्चरल तब्दीलियां दोनों रूनमा हुई कि जो अदब का रिश्ता था आर्ट से कट गया। पुराने रसायल देखें, सवेरा के रसायल देखें उनमें तो, या पुराने अदबी लतीफ देखें, ये जितने भी अदबी दुनिया के देखें तो उनमें आपको लगेगा जो मजामीन थे वो मुसवरी पर बाकायदा, मौसीकी पर बाकायदा, फिल्म पे बाकायदा छपते थे। आखिरी रिसाला ज़ेन-ए- जदीद था जो हिंदुस्तान से ज़ुबैर रिज़वी शामिल करते थे, जिसमें ये अदब और आर्ट का रिश्ता रखते थे। ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है कि होना चाहिए। अभी एक नावल में जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें एक तरह से ये बहुत एक हो सकता है, अगर हमारे उर्दू अदीब इस नावल को पढ़ें तो वो फिर आर्ट की उस अहमियत को समझ सकते हैं जो रफ्तार रफ्तार हमारे जहनों से मैब हो गई है। वो सुर्ख मेरा नाम के नाम से तर्जमा हुआ है, और हन पामुक का नावल का, वो सारे का सारा एक 16वीं सदी का जो तुर्की है, जो सल्तनत उस्मानिया उस वक्त था, उसके उसमें मिनी एचर्स जो फनकार थे उन पर है। 1000 साल मुकम्मल हो रहे हैं इस्लामी कैलेंडर के, तो उसके मौके पर एक किताब मिनिएचर की तैयार की जा रही है, एक लंबी कहानी है वो। तो उसमें जो सबसे अहम हिस्सा उस नावल का ये है कि उसमें उसमें जो मिनिएचर मुसव्विरी है उसका रिश्ता कहानी के साथ क्या है, फिक्शन के साथ क्या है, और फनकार के साथ क्या है, मिनिएचर मुसव्विरी का मिनिएचर फनकार के साथ क्या रिश्ता है, सोसाइटी के साथ क्या रिश्ता है और पूरे उसके साथ क्या रिश्ता है। तो मरकजियत तो उसमें आर्ट को दी गई है। तो एक तरह से मैं समझता हूँ ये एक जो किताब हमारे पास आई है, ये अगर लोग पढ़े तो वो बहाल हो सकता है। मुझे ये बात बिल्कुल बात ठीक, और इसका नुकसान हुआ है उर्दू अदब को, इसका बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जितना आर्ट और आर्ट में जितने देखिए, अगर हिस्ट्री देखिए 20वीं सदी की, तो शायरी में और फिक्शन में जो बड़े बड़े तजर्बा तहरीकें चली हैं उनका जो आगाज था वो मुसव्वरी से हुआ। तो मुसव्वरी को इस एतबार से अवलियत हासिल है, और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि ये होना चाहिए, कि बहाल होने चाहिए मुसवरों के साथ रिश्ते, मुसवरी को समझने के, और जो हमारे नक्काद हैं उनको मुसवरी पे लिखना चाहिए जिस तरह वो पहले लिखा करते थे। बेहतरीन।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपका बहुत ज़्यादा वक्त लिया। आखिर में अगर आप नहीं, कोई पैगाम वैसे देना चाहें, अगेन वी आर लिविंग इन एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स, तो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने रीडर्स के लिए और जनरली जो भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनके लिए अगर कोई आप पैगाम देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं तो जिस नसीहत में यकीन नहीं रखता, पैगाम में भी ये नहीं रखता, मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया, अफजाल साहब का शुक्रिया, और मेरे उन सब दोस्तों का और जो लोग इस वक्त मौजूद थे उन सबका शुक्रिया जिन्होंने सवालात किए थे, उनका भी शुक्रिया। तो मेरे लिए तो एक बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था इस मीडियम के जरिए आपसे बात करना और आपके जरिए बाकी लोगों से बात करना, थैंक यू तो सो मैं मच सिर्फ जी, शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। थैंक यू जी। नहीं, हम को हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस सिलसिले को जारी रखें। मतीन खान साहब यही कह रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब के साथ मुमकिन हो तो इस तरह हफ्ता वार बैठक होनी चाहिए, तो नहीं, हम काम करते हैं इसके ऊपर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया नहीं, वक्त निकालने के लिए। थैंक नहीं, यू जी। ऑल राइट, जी, इंशाल्लाह बहुत गुफ्तगू शुक्रिया, होती थैंक यू है। सो मच, खुदा हाफिज़। थैंक, ओके, थैंक, खुदा हाफिज़।